इश्यू कैन नॉट बी ब्रॉट हियर जस्ट बिकॉज हमें यहाँ बैठने का हक हासिल है तो हम आए बाएं शाएं हर चीज यहाँ ले आए. दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू. देखिए जी, ये समझती हैं कि ज्यादा मेकअप करके मैं दूसरी औरतों पे हावी हो जाऊंगी या उनके ऊपर दौंस जमा लूंगी, तो ये उनकी गलत फहमी है. मेकअप तो हम लोग करते हैं, ठीक है, वो तो फेस पेंटिंग करती हैं. No personal remark. You should be ashamed of yourself. You have no brains to talk. You have no brains to write. Look at your English language. Look at your language. It's a kindergarten kid. सिंध असेंबली जुमलों के इस तबादले के बाद मछली बाजार में तब्दील हुई और फिर किसी को कान पड़ी आवाज भी सुनाई ना दी. एनी इश्यू कैन नॉट बी ब्रॉट हियर. हम चुप कभी नहीं होंगे. हम चुप कभी नहीं होंगे. तो हम आए बाएं शाएं हर चीज यहाँ ले आए. ना ही उनकी डिक्टेशन पे हम चलने वाले हैं. अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ. फेस पेंटिंग करके हम पे रोक जमाती हैं. यू हैव नो ब्रेन्स टू टॉक. यू हैव नो ब्रेन्स टू राइट. लुक एट योर इंग्लिश लैंग्वेज. Look at your language, it's a kindergarten. ऐवान में मौजूद मर्द हजरात चुप साधे इस जनाना लड़ाई को देखते रहे. सिंध असेंबली में मामला तो था बच्चों की कफालत और उनके कफील वालदेन का नाम शनाख्ती कार्ड में दर्ज करने का, लेकिन बात बच्चों जैसी इंग्लिश और फेस पेंटिंग तक पहुंच गई. फेस पेंटिंग करके हम पे रोक जमाती हैं. मेकअप तो हम लोग करते हैं, ठीक है, वो तो फेस पेंटिंग करती हैं. इस दौरान स्पीकर निसार खोड़ो शाजिया मरी और मारवी राशिद को चुप कराने की कोशिशें करते रहे, लेकिन वो शायद भूल गए कि औरतों को चुप कराना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है. How can you say this? Yes, sir. Assembly has to decide about it. No personal remark. You should be ashamed of yourself. No personal remark. You should be ashamed of yourself. You have no brains to talk. You have no brains to write. Look at your English language. Look at your language. It's a kindergarten kid. शाजिया मरी ने ना सिर्फ मारवी की इंग्लिश और मेकअप पर जुमले कसे बल्कि ये तक कह दिया कि उन्हें तो इशू की समझ ही नहीं. इन हालात में मारवी कहाँ पीछे रहने वाली थी. उन्होंने ना सिर्फ असेंबली के अंदर बल्कि बाहर आकर भी शाजिया को खरी खरी सुनाई. ये समझती हैं कि ज्यादा मेकअप करके मैं दूसरी औरतों पे हावी हो जाऊंगी या उनके ऊपर दौंस जमा लूंगी, तो ये उनकी गलत फहमी है. मेकअप तो हम लोग करते हैं, ठीक है, वो तो फेस पेंटिंग करती हैं. मामला कुछ भी हो, लेकिन अरकान असेंबली के एक दूसरे पर जाती जुमलेबाजी कुछ अच्छा तासुर नहीं छोड़ती. स्पीकर सिंध असेंबली को तो कुछ जुमले ऐवान की कार्रवाई से हजफ करवाना पड़े.